So now, third rock is pumic rock. Pumic are formed by cooling of bubbles of lava. Okay, जब volcano erupt होता है, जो lava बाहर आता है, तो उसमें bubbles भी होंगे, वो gases होंगे, जो bubbles भी बनेंगे, तो वो bubbles जब ठंडे हो जाते हैं फटाफट, उसी वक्त जब निकलते हैं बाहर, तो उससे क्या एक stone होते हैं, जिसे कहते हैं pumic stone. ये stone आपने देखा होगा, जैसे हम scrubber भी बोलते हैं, अपने घरों पे हम use करते हैं, dead skin remove करने के लिए, तो वो stone कौन सा stone होता है हमारा, pumic stone. It can float. ओके ये फ्लो ये बहुत हल्का होता है इसलिए फ्लोट करता है. इट हैज़ मैनी होल्स. अगर आपने घर पे देखा होगा स्क्रबर टाइप स्टोन होता है तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं और ये इट इज़ नोन एज स्क्रबिंग स्टोन. ओके दी स्टोन आर मेनली यूज फॉर रिमूव डेड स्किन. प्यूमिक स्टोन कैसे बनता है, कूलिंग बबल ऑफ लावा. नाउ फोर्थ रॉक इज ऑब्सीडियन रॉक फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा. अब जो लावा ये वोल्केनो से बाहर आया वो फटाफट ठंडा हो गया, जैसे ही बाहर आया वैसे ठंडा हो गया, उससे क्या बनता है ऑब्सीडियन रॉक. ये प्रोसेस धीरे होगा, ये प्रोसेस फास्ट होगा. ये क्विक कूलिंग है तो ये रैपिड कूलिंग है, जैसे बाहर आ रहा है वैसे ठंडा हो रहा है, फिर ये बसाल्ट बन रहा है और ये क्विक कूलिंग से क्या बन रहा है हमारा ऑब्सीडियन रॉक बन रहा है. लुक लाइक ग्लास. ठीक है ये ग्लास की तरह दिखाई देता है, ब्लैक इन कलर एंड यूज फॉर कटिंग और मेकिंग ऑफ ज्वेलरी. और ये रॉक कहाँ यूज होते हैं, कटिंग और मेकिंग ऑफ ज्वेलरी में ये रॉक हमारे यूज होते हैं. सो नाउ यू स्टडी अबाउट द फोर रॉक्स, बसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमिक एंड ऑब्सीडियन. दे आर मेनली फॉर्म फ्रॉम द लावा. द ऑब्सीडियन रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द क्विक कूलिंग ऑफ लावा. ओके प्यूमिक स्टोन फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग बबल ऑफ लावा एंड ग्रेनाइट इज फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा व्हेन कूल डाउन बिलो अर्थ सरफेस. मतलब वोल्केनो से इरप्ट हुआ ही नहीं और मैग्मा अंदर ही क्या वो ठंडा हो गया और वो किसमें चेंज हो गया, ग्रेनाइट में. एंड जब लावा बाहर आया तो जैसे बाहर आया वो जैसे जैसे ठंडा हो रहा है उससे क्या रॉक बन रही है हमारी, बसाल्ट रॉक. सो नाउ वी स्टडी दैट फोर टाइप्स ऑफ रॉक. ओके ओके थैंक यू.